आप और मैं हूं आपके साथ प्रीव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के इंदिरा प्रतिष्ठान में एशियाई और पैरा एशियाई खेलों के पदक विजेता और प्रतिभागियों को 62 करोड़ रुपए बांटकर उन्हें सम्मानित किया और इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के आईजीपी में खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र और पुरस्कार राशि वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 189 पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और 62 करोड़ की पुरस्कार राशि दी गई। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। 189 खिलाड़ियों को 62 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आज यहां पर प्रदान की गई है और ये 7 खिलाड़ियों को नौकरी का पत्र भी जारी किए गए हैं। डिप्टी एसपी भी है, खेल अधिकारी भी है और परिवहन विभाग में भी है। भाइयों बहनों, यही परिवर्तन होता है जब नेतृत्व अच्छा होता है। पहले पैसा देकर के लोग नौकरी खरीदते थे, आज सरकार नौकरी भी दे रही है और पैसा भी दे रही है। देखा ना आपने, सुश्री पारुल चौधरी को 4.5 करोड़ रुपए भी मिला है और डिप्टी एसपी का पद भी प्राप्त हुआ है। हुआ ना। राजधानी में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की तरफ से 19वें एशियाई खेल, 4th पैरा एशियाई खेल और 37वें राष्ट्रीय खेलों में पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया। इन खिलाड़ियों में से 7 विजेताओं को डिप्टी एसपी समेत अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए पत्र भी दिया गया। कार्यक्रम के दौरान देश के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। 189 खिलाड़ियों को 7 कोचेस को यहाँ पर लगभग 62 करोड़ रुपया नकद पुरस्कार देकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आपको सम्मानित किया है। इसके लिए माननीय योगी जी को और उनकी समस्त सरकार के मंत्रीगण और अधिकारियों को सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद भी देता हूँ। यूपी के खिलाड़ियों पर धन वर्षा हुई है। खिलाड़ियों को 75 लाख से लेकर 4.5 करोड़ रुपए तक के इनाम मिले हैं, जबकि कई खिलाड़ियों को 7वें डीएसपी का नियुक्ति पत्र भी मिला है। वहीं सीएम योगी के हाथों से सम्मान राशि और नियुक्ति पत्र पाकर सभी खिलाड़ियों के चेहरे खिल उठे। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बदायूं के दातागंज के सैचनी में स्थित